बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हफ्ता गुजरा है उसमें केएससी 100 इंडेक्स में कौन सी ऐसी चीजें थी जिसने उसको इंपैक्ट किया, और 501 पॉइंट्स इस वीक में केएससी 100 इंडेक्स ऊपर गया है, और आने वाले वीक में केएससी 100 इंडेक्स कहां पर जा सकता है इस वीडियो के एंड पे प्रिडिक्ट करूंगा। आप लोगों को जरूर इससे फायदा होगा आने वाले वीक में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताता हूं कि ये वीक कैसा गुजरा है और कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने इंपैक्ट किया केएससी 100 इंडेक्स को। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह आप लोगों को पता है कि लास्ट डे ऑफ द वीक में 1% इंटरेस्ट कट आया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को वापस लाया था और इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा बाइंग की थी लास्ट डे ऑफ द वीक में। और आप लोगों को मजीद पांच चीजें ऐसी हैं जो मैं बताना चाहता हूं जो पॉजिटिवली जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है केएससी 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में, और यही चीजें इंपैक्ट कर रही होती हैं। अगर ये चीजें आप लोग समझ लें, सिस्टमैटिक रिस्क को समझ लें, तो जरूर आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट पे फायदा उठाने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इंटरेस्ट कट, दूसरी चीज है करंट अकाउंट सरप्लस जो गैप मई के मंथ में $13 मिलियन का, तो इससे ये चीज शो होती है कि डिक्रीज हुई है पाकिस्तान की इंपोर्ट, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया, जो रुपी के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ था इंपोर्ट्स की वजह से वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। फिर उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक की और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान को जो एड मिली है हेल्थ सिस्टम ठीक करने के लिए $1 बिलियन की जो एड मिली है, उसने भी बहुत ज्यादा फॉरन रिजर्व को बढ़ाया है, जो एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है इन चीजों ने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। फिर उसके बाद जो चौथी चीज है वो फैटफ की तरफ से जो डेडलाइन मिली हुई थी पाकिस्तान को, वो जो पॉइंट्स मीट करने थे पाकिस्तान ने फैटफ के, उसमें एक्सटेंशन मिल गई है जो एक बहुत बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान के लिए। और फिर उसके जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को वापस लाने में। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये चीज मेंशन की थी पीटीआई गवर्नमेंट की अचीवमेंट, आप लोग समझ लें कि 91% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है और वो $2.4 बिलियन पे चली गई है। ये एक शो करती है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इकोनॉमी के रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाया जाए, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट इसी से ही बढ़ती है। जब बाहर से कंपनियां आके पैसा लगाती हैं इन्वेस्ट करती हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, बेरोजगारी कम होती है और गुर्बत कम होने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। फिर उसके बाद जो लास्ट चीज इस वीक में सबसे अच्छी हुई है, वर्ल्ड बैंक ने जो $2.7 बिलियन के अपने कर्जे वापस लेने थे उन्होंने पाकिस्तान को कोरोना वायरस की वजह से रिलीफ दिया और उनकी डेट में एक्सटेंशन कर दिया। तो ये चीजें बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फायदा दे रही हैं, जो इंटरनेशनल के जो इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं। इंटरनली भी पाकिस्तान में ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के केएससी 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये चीजें थी जिन्होंने इस दफा कंट्रीब्यूट किया इस वीक में। और बाकी कौन सी ऐसी चीजें थी वो मैं आप लोगों के साथ समरी से डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें सबसे ज्यादा इस वीक में जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फॉरेन सेलर्स रहे हैं $9.9 मिलियन के, इन्होंने भी इस वीक सेलिंग की है जो जिसकी वजह से प्रेशर आया केएससी 100 इंडेक्स में। सबसे ज्यादा इन्होंने पैसा निकाला है फर्टिलाइजर सेक्टर से और बैंकिंग सेक्टर से। फर्टिलाइजर सेक्टर से $2.7 मिलियन इन्होंने निकाला है और बैंकिंग सेक्टर से $2.6 मिलियन निकाला है। और बाइंग इन्होंने सबसे ज्यादा की है इंश्योरेंस कंपनीज में $7 मिलियन की बाइंग की है और म्यूचुअल फंड्स में $3.4 मिलियन की इन लोगों ने बाइंग की है। फिर उसके बाद अगर सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखी जाए तो फर्टिलाइजर सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस वीक में, 326 पॉइंट्स केएससी 100 इंडेक्स को ऊपर लेके गए हैं। फिर उसके बाद सीमेंट सेक्टर ने 108 पॉइंट्स इंक्रीज किया केएससी 100 इंडेक्स को, पावर सेक्टर ने 46 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया, ऑयल सेक्टर ने 34 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया। तो ये चीजें थी जो इंपैक्ट कर रही थी केएससी 100 इंडेक्स को ये वीक का। मैंने आप लोगों को ये जो समरी बताई है ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी फ्यूचर में भी, क्योंकि ये चीजें रिपीट हो रही होती हैं और ये चीजें हों तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंपैक्ट करती हैं केएससी 100 इंडेक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वीक के स्टार्ट में केएससी 100 इंडेक्स ऊपर गया था, लेकिन मिड ऑफ द वीक में आप लोग अगर फॉलो करते हैं केएससी 100 इंडेक्स को तो केएससी 100 इंडेक्स गिरा था। वो गिरने की सबसे बड़ी वजह मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि ऑयल प्राइसेस डिक्रीज हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में, फिर उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जिसकी वजह से मिड ऑफ द वीक में
KSE 100 इंडेक्स गिरा था, लेकिन लास्ट डे ऑफ द वीक में आप लोगों को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एक अर्जेंट मीटिंग की थी उसमें 1% डिक्रीज किया था, इंटरेस्ट कट किया था, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया था और आप लोगों ने लास्ट डे ऑफ द वीक में काफी अच्छी बाइंग देखी गई है KSE 100 इंडेक्स में। तो ये चीजें इंपैक्ट कर रही होती हैं। अब सबसे मेन चीज है आप लोगों को लिए बताना कि नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है। प्रिडिक्शन है कोरोना वायरस का पेंडेमिक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में केसेस कम होना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ बहुत ज्यादा कमी आना स्टार्ट हो गई है क्योंकि 5000 6000 तक केसेस आना स्टार्ट हो गए थे पाकिस्तान में, लेकिन फॉर्चुनेटली जब का लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ है, स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में लगना शुरू हुआ है, उसकी वजह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के केसेस 3000 2500 तक आ गए हैं, काफी ज्यादा डिक्लाइन आया है इन केसेस में, जो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को वापस ला रहा है क्योंकि एक लहर जो कोरोना वायरस की वजह से एक पैनिक फैला हुआ था वो बहुत ज्यादा कम होना स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जो आप लोगों को पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की वजह से जो $1 बिलियन आया है वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा नेक्स्ट वीक KSE 100 इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है आने वाले वीक्स में, और आने वाले वीक्स में मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि KSE 100 इंडेक्स ऊपर जा सकता है। लेकिन जो ऑयल प्राइसेस में बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आई है, 25 रुपए इंक्रीज किया है पेट्रोल की प्राइस में, इसी तरह डीजल की प्राइस में भी 21-22 रुपए का इंक्रीज आया है, तो ये नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है कोरोना वायरस, तो उसकी जो एक लहर खत्म होना शुरू हुई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में केसेस कम होना स्टार्ट हुए हैं, तो नेक्स्ट वीक अच्छा गुजर सकता है। तो यही थी आज की वीडियो, जरूर आप लोगों को मैं होप करता हूं कि फायदा हुआ होगा इस वीडियो से। देखते रहिए मेरी वीडियो, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।